नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेटफर टेक में। दोस्तों, अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आप अपने पुराने स्मार्टफोन से काफी बोर हो गए हैं, आपको ऐसा स्मार्टफोन लेना है जो आप ले लें तो वो कभी पुराना फील ना कराए आपको, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ टेक्नो ने, जो कि बजट स्मार्टफोन बनाने के लिए फेमस कंपनी है, उसने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है पिछले दिनों, जिसका नाम है टेक्नो कैमन 19 प्रो मोंड्रियन। तो ये वाला जो आपका स्मार्टफोन है, इसकी यूएसपी ये है कि इस स्मार्टफोन के अंदर फीचर, स्पेसिफिकेशन, कैमरा वगैरह सब कुछ आपको अच्छा मिलता है, जो कि अमूमन टेक्नो के जितने भी स्मार्टफोन सब में आपको अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ यूएसपी की बात अगर की जाए तो इसका जो बैक पैनल है वो ऑटोमेटिकली अपना कलर बदलता है जब आप बाहर निकलते हैं अपने घर से, तो जो भी आपकी रोशनी होती है उस रोशनी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को जो इसका बैक पैनल एडजस्ट कर लेता है। तो बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अंदर क्या आपको स्पेसिफिकेशन और फीचर देखने को मिलते हैं, क्या इसका प्राइस है, कब से आप इसको परचेस कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो करिएगा ही करिएगा, उसके साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के साथ ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं आपके लिए अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उस वीडियो को देख के आप बेनिफिट ले सके। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं टेक्नो कैमन 90 प्रो मोंड्रियन के अंदर आपको क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस टेक्नो कैमन 90 प्रो मोंड्रियन के अंदर आपको जो है क्या स्पेसिफिकेशन और क्या फीचर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके डिज़ाइन की ही बात कर लें तो जो इसकी डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है यहाँ पर मोंड्रियन आर्ट से। और इसकी यूएसपी, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि जब आप इसको रोशनी में लेके निकलेंगे तो इसका बैक पैनल है कलर चेंज करेगा। तो इसके अंदर कंपनी कह रही है कि इंडिया का सबसे पहला मल्टी कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है और उसके साथ ही इसको यहाँ पर जो है मूस डिज़ाइन अवार्ड 2022 भी इसको यहाँ पर जो है 22 का मिला हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम बात कर लें कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो अगर यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको जो है पॉलीक्रोमेटिक फोटो जिमर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर इसके अंदर आपको बैक पैनल के अंदर कलर चेंजिंग में हेल्प करती है। अब अगर यहाँ पर हम इसके डिस्प्ले की बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो है डिस्प्ले जो इसका मिलेगा वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगा और ये इसका साइज जो है डिस्प्ले का 6.8 फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जो है यहाँ पर बेजल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्लिमेस्ट बेजल आपको देखने को मिल जाता है जो कि 0.98 mm का होने वाला है, तो मतलब वो बेजल लेस डिज़ाइन है इसकी। और अगर इसके टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो 244 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट इसमें देखने को मिलेगा, जो कि इसकी स्क्रीन को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको फील कराएगा। अब अगर यहाँ पर हम इसके कैमरे की बात कर लें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो है इंडस्ट्री का फर्स्ट 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपका RGB+GWP और उसके साथ लेंस विद OIS, यानी कि इसमें OIS लेंस के साथ आपको इसमें जो है 64 मेगापिक्सल का जो है इसके रियर में कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसमें 50 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट लेंस भी देखने को मिलता है, जो कि 50mm गोल्डन पोर्ट्रेट लेंस इसके अंदर लगा हुआ है। अब यहां पर अगर इसके सेल्फी कैमरे की बात कर लें, फ्रंट कैमरे की इसकी बात करें, तो इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा वो है 32 मेगापिक्सल का HDR सेल्फी कैमरा और इसके अंदर जो है आपको सुपर नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो है F1.65 लार्ज अपर्चर के साथ आपको है मल्टी शूटिंग फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, तो अच्छा इसमें जो है अगर नाइट में फोटोग्राफी करेंगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस उसका भी देखने को मिलेगा, काफी अच्छे पिक्चर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे OIS का भी सपोर्ट है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं या फिर आप कभी कभी अगर आप कैमरे से फोटो खींच रहे होते हैं, अगर झटका लग जाता है तो पिक्चर भी खराब हो जाती है और वीडियो भी काफी अनस्टेबल हो जाता है, मतलब बहुत ही शेकी हो जाता है, तो इसके अंदर आपको OIS भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर लें रैम वगैरह की, स्टोरेज वगैरह की, तो यहाँ पर जो आपको रैम देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन के अंदर वो है 13GB की रैम और वो अल्ट्रा लार्ज रैम आपको देखने को मिल जाती है विद मेमोरी फ्यूजन, इसमें मेमोरी भी इंक्लूडेड है। इसके साथ 128GB की मेमोरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि इंटरनल स्टोरेज आपका 128GB का होने वाला है। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर 512GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 8GB LPDDR6 रैम और उसके साथ ही आपको 5GB का मेमोरी फ्यूजन देखने को मिल जाता है। अगर बैटरी की हम बात कर लें इस स्मार्टफोन में तो आपको 5000mAh की लार्ज बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 37 दिन का स्टैंड बाई टाइम देखने को मिल जाएगा इसके अंदर और 124 आवर का आप म्यूजिक प्लेबैक टाइम भी इस पर देख पाएंगे, यानी 24 घंटे तक आप नॉन स्टॉप म्यूजिक इसके ऊपर प्ले कर पाएंगे और करीब 57 घंटे तक का कॉलिंग टाइम है, यानी गर्लफ्रेंड से बतिया रहे हैं आप तो 57 घंटे तक लगातार आप बतियाते रहो अगर इतने कैपेसिटी बतियाने की आपकी है।
है तो। उसके साथ ही साथ इसकी बैटरी यहाँ पर 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जो कि 30% तक आपके स्मार्टफोन को यहाँ पर 13 मिनट में चार्ज कर देती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ अगर हम यहाँ पे इसके प्रोसेसर की बात कर लें तो इस स्मार्टफोन में आपको मीडिया टेक हीलियो G96 पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और ये प्रोसेसर आपका गेमिंग वगैरह में भी बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस आपको देता है। उसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको NFC का भी सपोर्ट मिलता है, NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपको अगर कॉन्टैक्ट ट्रांसफर करना तो वो कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट इजली आप सेंड कर पाएंगे, और ऐप और ऑनलाइन कंटेंट वगैरह भी आप शेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि NFC का भी सपोर्ट है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें इसमें आपको जो है OS कौन सा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको हाई OS 8.6 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 देखने को मिलता है, यानी कि एंड्रॉयड 12 आपको देखने को मिलेगा इसके साथ, और हाई OS 8.6 इसके अंदर आपको इंक्लूड देखने को मिलेगा OS के तौर पे। और यहाँ पे आपको एंड्रॉयड अपग्रेड भी मिलेगा, यानी कि शॉर्ट एंड्रॉयड अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन, जब कोई नेक्स्ट वर्जन इसका अपडेट होगा आएगा तो उसका अपडेट भी आपको इस स्मार्टफोन के ऊपर मिल जाएगा। अगर हम साउंड क्वालिटी की बात कर लें तो यहाँ पे DTS साउंड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी लाउड होगा, अच्छा साउंड एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद यहाँ पे एक फैसिलिटी और भी है, जो भी आपका वीडियो है उस वीडियो को आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे MP3 में, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाना आपको बहुत पसंद आता है तो आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे MP3 में और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे। इसमें आपको जो है फास्ट मीडिया कन्वर्टर भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर फोन आपका बिगड़ जाता है तो 1200 प्लस सर्विस सेंटर आपको मिल जाएंगे, 1000 प्लस टाउन के अंदर ये सब सर्विस सेंटर हैं, और इसमें जो है मल्टी चैनल CRM सपोर्ट भी मिल जाएगा, और करीब 100 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स इस कंपनी के साथ है। तो कंपनी बहुत अच्छी है टेक्नो बजट स्मार्टफोन के मामले में, इसके बहुत से ऐसे स्मार्टफोन है जो बजट फ्रेंडली है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इस स्मार्टफोन को अफोर्ड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर टेक्नो कैमन 19 प्रो मैंड्रियन एडिशन खरीदना चाहते हैं तो बताना चाहूँगा कि ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 8GB प्लस 128GB के वेरियंट में ही मिलेगा, और इसकी कीमत यहाँ पर 17,999 रुपये लगभग हो सकती है, और 22 सितंबर से अमेजॉन पे आपको इसकी बिक्री देखने को मिल जाएगी, तो आप अमेजॉन से इसको खरीद सकते हैं। और अगर आप SBI बैंक कार्ड ट्रांजेक्शन पर अगर आप यहाँ पर इसको खरीदेंगे तो 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि आपको 17,999 रुपये से भी थोड़ा सा सस्ता पड़ जाए। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो भैया लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, जहां मैं आपको इसी तरीके किसी गैजेट की पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, वंदे मातरम, जय हिंद।